तो गला खराब होने की वजह से मैं केतली में केटल में पानी गर्म कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी गलती मैंने करी, इसको तांबे के बर्तन में डाल दिया। तांबे के बॉटल में डालने के बाद मुझे पकड़ने में ऐसी की तैसी हो गई, ऊपर पूरा भाप आ रही थी, फट गई कसम से यार। फिर मैंने जल्दी से इसमें आरओ का पानी भरा, फिर मैंने कहा भाई थोड़ा सा राहत मिला, फिर इसमें मैंने प्रोटीन वाले शेकर में डाला और थोड़ा सा देखा कि मतलब हाँ ठीक है, उतना भी गर्म नहीं था। तो अभी हाल फिलहाल ये प्रोटीन मैं यूज़ कर रहा हूँ, फ्रूटीन नाम है इसके। बहुत सारे फ्लेवर यूज़ करता हूँ, मतलब आप समझ लो कि 26 ग्राम ये बता रहे हैं तो 23 ग्राम 22 ग्राम तो हो गई होगा। यार सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोटीन जैसा लगता नहीं, ना इसमें बदबू है ना कुछ, बहुत अच्छा टेस्ट में ज़बरदस्त मम्मी। और एवरेस्ट नहीं, ये क्या बोल दिया मैंने, सॉरी। हाँ तो ये मैं इसको शेक करने का अपना अंदाज ही अलग है भाई, ऐसा किसी के पास नहीं है। फिर मैं इसको तांबे वाले को लेकर जा रहा हूँ, अभी भी गर्म है साला। तो यार मैं मूवी देख रहा था इंटरस्टेलर, बहुत ख़तरनाक मूवी है। मैंने बहुत पहले जब आई थी 2014 में आई थी आई थिंक तब, मतलब साईफाई मूवी ज़बरदस्त है यार। वो हटा के देखो, वो हटा दोगे तो तुम्हारी दाढ़ी से बाल निकल जाएगा, किसी की इतनी औकात नहीं हो जाकर छू दे। अच्छा रहने दो भाई, भाई रहने दो भाई, भाई भाई बोलना पड़ रहा भाई मेरा भाई, तुम्हारी खुद की दुकान है खालिद फटा। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सब। देखो उसमें दिख रहे हैं कि सूअर, देख ले उसमें सही से जबान को कंट्रोल कर, गलम मार नहीं समझता। गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नाम है खालिद अहमद खान। तो आप लोग देख रहे होंगे दो दिन से साला यही ब्लैक टी शर्ट, आदमी दो चार दिन नहाता भी नहीं है। ये भी तो हो सकता है ना, दो चार दिन आदमी ना नहाए। तो अभी हम लोग बहुत दूर से आए, हमारा ऑफिस जी कम से कम ये तो 7 घंटे का हम लोग का सफ़र था। थोड़ा सा प्रॉपर्टी डीलिंग में भी हमने अपना हाथ डाला है, तो कुछ ज़मीन वमीन का देखने गए थे। यार देखो पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए आदमी को हर तरीके का काम करना पड़ता है, जो भी जायज़ मतलब सही हो, हर तरीके का काम करना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ एक काम करके सही से हो नहीं पाता है। कभी सब्जी आ जाती है तो कभी दाल नहीं आती, दाल आ जाती है तो कभी बंधा नहीं आता है। तो इतनी गाड़ी गंदी हो गई, अब सोच रहे हैं कि जाके थोड़ा सा गाड़ी धुलवा ली जाए। तो आप ही चलोगे? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं गाड़ी को धुलवाने, क्योंकि इतनी दूर चले गए थे हम लोग, उसको साफ करवाना यार ना, गाड़ी रोज साफ करने, यहाँ इतनी ज्यादा धूल होती है, रोज साफ करने के लिए कोई ना कोई गाड़ी चाहिए, कोई ना कोई आदमी चाहिए जो रोज मेरी गाड़ी को साफ कर सके। खुद ही ले जाके साफ करवाना पड़ता है, कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो करना पड़ता है। ये कोचिंग सब खत्म, अलहमदुल्ला सबको पढ़ा दिया है, सारे बच्चों की छुट्टी थी मतलब स्कूल की, तो मैंने सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट किया। तभी आज मेरे यहाँ नहीं आए थे। तो आप क्या नहीं आए थे? आपके घर में फातिया थी, वहाँ था मैं और आप नहीं मौजूद। ओ हाँ यार, फातिया थी, मैं भूल गया था कसम से, मुझे जाना था, क्योंकि इतनी ज़्यादा देखो सामने दोनों घर में इंतकाल हुआ है, इनका तीजा, फिर उनका तीजा, फिर यहाँ दसवां, फिर वहाँ दसवां, फिर 20वीं, वहाँ 20वीं, फिर उसके बाद 40वां, फिर उसके बाद यहाँ पे भी होगा 40वां, और इन बीच में इतनी सारी फातिया हो गई, तो यही करते 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 थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया दिमाग। तो बाकी ये जो है एक है जो मुझसे छूट गया, मम्मी ने फ़ोन किया, तुम्हें पता नहीं था क्या? हमने आया नहीं, हमने नहीं मम्मी, हमी हालांकि हम ही ने मम्मी को बताया था, कल मामू जान का फ़ोन आया था, पता नहीं था क्या, जाना था हमने। अरे यार मामू जान का सुबह भी फ़ोन आया, बोल गए बड़ी मम्मी के, ये बंदा है जितनी मेहनत करता है उधर बुला रहा। हाँ नहीं वैक्यूम नहीं होगा, ये जो बंदा है ये इतना ज़बरदस्त बंदा है, मतलब ये नहीं होता यहाँ पे तो हम लोग कुछ नहीं होता, ये एकदम जितनी भी गाड़ी ले आओ एकदम जिम्मेदारी से बोल के ले आओ, ले लो ये लगा वो लगा वो लगा इस लगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, यहाँ तक गाड़ी धुलवाने का, मतलब थोड़ी बहुत मैंने जो क्लिप बनाई थी ना कल, तो वही मैंने जोड़ के लगा दी। आज वैसे मैं बोट क्लब गया था घूमने, बोट क्लब में इतना मज़ा आया गाइस कसम से मैं बताऊँ, मतलब आप लोग बस देखना नेक्स्ट वीडियो में, इसके 6-7 घंटे के बाद मैं उसको अपलोड करने वाला हूँ, अभी एडिट कर लूँगा सारा, मैंने शूट कर लिया क्योंकि रमज़ान में तो जा नहीं सकते थे, तो बोट क्लब में कभी गया नहीं था, तो मैंने सोचा था कि बोट क्लब जाके घूमाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं गया जाके वहाँ पे गार्ड से पूछा, भैया 100 रुपये जो टिकट ले रहे हैं ये 100 रुपये जस्टिफाई हो? तो बोला कि बहुत रूडली उसने बोला, जाओ भाई जाओ जाके देख के आओ, पहले घूम के आओ। सच में मैं घूम के आया, फिर उसको मैंने बोला भाई सच में 100 नहीं 200 रुपये होना चाहिए इसका टिकट। कानपुर मतलब अपनी जगह में इतना मज़ा, जो मतलब रिवर में उन लोगों ने दिया,
डर भी है, क्योंकि जब आप पानी में उतरते हो बोट में और वो आपसे साइन करवाते हैं, अगर आप डूब डाब गए भाई तब टोपी पूरी पूरी तुम्हारे सर पे आए। कल आप लोग बोट क्लब की वीडियो देख लेना, पूरा मैंने पूरा आज शूट कर लिया है, बना दिया। रमज़ान जैसे कि कल से इंशाल्लाह चालू हो जाएगा, इस वजह से आज जल्दी जल्दी हम लोग गए बोट क्लब घूम के आ गए। और मैंने कभी देखा नहीं था, बहुत अच्छा लगता है यार, कानपुर में इतना अच्छा बोट क्लब खुला है, मैं पहले क्यों नहीं गया, बहुत सारी वीडियोज़ बना लेता। मतलब चिड़ियाघर मोती झील ज़्यादातर आप लोगों ने देखा है तो हर तरह की पब्लिक आती है, क्योंकि वहाँ की टिकट उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ पर 100 रुपये एक नॉर्मल आदमी के लिए थोड़ा ज़्यादा है, रोज़ के लिए अगर आपको जाना है तो इस वजह से उतनी सारी क्राउड भी नहीं है, और जितने भी क्राउड है अच्छे लोग हैं और सही है, तो वो हरामखोरी भी नहीं होती। लेकिन हाँ, कोने में लेके बैठने वाली बहुत जगह है बहुत जगह है भाई, ऐसी ऐसी जगह है। आपको प्राइवेसी चाहिए, फ़ोन पे बात करनी है, साइड में कहीं जाना, ऐसी ऐसी जगह लेके बैठने वाली भाई मज़ा आ जाएगी, कसम से बता रहा हूँ। मियाँ बीवी हो तो भी बहुत अच्छा, मतलब कोई उधर कोई उधर कोई उधर ले लेके बैठे, मतलब किसी का रोक टोक नहीं, सबसे अच्छी ये चीज़ मैं देख के आया। और पानी का तो पानी है भाई, पानी का जो मज़ा है। खैर ये आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखना, सब कुछ मैं अभी थोड़ी ना बता दूंगा। बाय, लव यू, टेक केयर। पल पल का मजा ले ले ऐसे न छोड़ू तेरा, जीने के है 4 दिन बाकी है बेकार, जाए 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 एक बार जवान कैमरा पकड़ने का सहूर नहीं आप जी यार, बन रही है क्लियर आ रही तो मतलब इतने सारे खर्चे हैं ना, देखो उसमें तमाचा पड़ेगा, हमारी हाथ का मारे तो देखो ना क्या बना रहे हो, क्लियर आ रहा है, परेशान ना हो, अब तो क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है।